हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सुपर टेट का कंप्लीट सिलेबस देखेंगे और मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैसे मेरे सुपर टेट में 128 नंबर आए, ठीक है, और मेरा और किस तरीके से मैंने तैयारी की थी, क्योंकि आपको पता है कि 69,000 वैकेंसी में सिर्फ हम लोग के पास मतलब दिसंबर में वैकेंसी आ गई और 6 जनवरी को पेपर हो गया, तो बहुत जल्दी ये पेपर हो गया। उतने कम टाइम में मैंने 128 नंबर कैसे गिन किया, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सिर्फ एक महीने में पढ़ के ही आप 128 नंबर ला सकते हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर बताऊँगा कि अगर आपका कुछ सब्जेक्ट अगर पहले से ही तैयार है तो आप बहुत आसानी से सुपर टेट में 125 प्लस नंबर ला सकते हैं। तो आज हम लोग सिलेबस का डिस्कशन करेंगे और हम देखेंगे कि किस सिलेबस में किस सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। जो मेरा अनुभव रहा है वो मैं आप लोगों के आज साझा करूँगा। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो इसको आप लोग कंप्लीट ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, पहले सिलेबस देख लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या क्या है। तो देखिए इसमें क्या दिया है, इसका पहले पूछे कि इसमें देखिए कि विषय वस्तु का स्तर क्या बोला है। तो इसमें बोला है कि जो भाषा है यानी जो लैंग्वेज पूछी जाएगी, जैसे कि आपकी हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत, ये तीनों सब्जेक्ट आपके एग्ज़ाम में आएंगे, मतलब ये तीनों विषय से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे, जिसमें से हिंदी के 20 क्वेश्चन रहेंगे और आपके आपके संस्कृत के 10 क्वेश्चन रहेंगे और आपके अंग्रेजी के 10 क्वेश्चन रहेंगे। और ये जो भाषा का जो विषय स्तर होगा वो हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन कक्षा 12 तक का स्तर इसका रहेगा। इसमें दिया है कक्षा 12 तक का, लेकिन क्या आपको कक्षा 12 तक की आपको मैथ पढ़ना है, क्या आपको कक्षा 12 तक का पर्यावरण पढ़ना है? पर्यावरण के लिए तो आपको कक्षा 12 की बुक आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, लेकिन मैं बताऊँगा उसको कैसे पढ़ना है और टॉपिक वाइज कौन कौन सा, मतलब अगर आपको 12th की बुक अगर पढ़ना भी है तो आपको कहाँ से पढ़ना है, मतलब कि साइंस का कौन सा चैप्टर बस 12th का पढ़ना है, ये मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा, ठीक है। और उसके बाद से मैं बताऊंगा कि हिंदी को कैसे तैयारी करना है, अंग्रेजी में कैसे पढ़ना है और गणित में कैसे पढ़ना है, ठीक है, ये सब चीज़ बताएँगे हम आप लोगों को। और देखिए नीचे क्या है, दूसरा विषय स्तर पर, तो शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, सूचना तकनीकी, जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृद्धि, डीएलएड पाठ्यक्रम स्तर का होना चाहिए, यानी कि जो आपको जो 30 नंबर की जो सीडीपी आएगी जिसमें आपका शिक्षण कौशल और बाल मनोविज्ञान और सूचना तकनीकी और शिक्षण प्रशिक्षण ये सब रहेगा, ये 30 नंबर का आएगा। और इसका स्तर कैसा होना चाहिए, तो इसका स्तर होना चाहिए डीएलएड स्तर का, यानी कि बीटीसी स्तर का होना चाहिए। तो क्या इसलिए ज़रूरी है बीटीसी की बुक पढ़ना, तो देखिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग कहें, आप लोग भले आप कहते हैं कि सर इतनी मोटी है कैसे पढ़े, लेकिन बहुत मज़ा आता है पढ़ने में, मैंने पढ़ा है, आप लोग भी पढ़िए, बहुत अच्छे से समझ में आता है। पहली बार आपको पढ़ने में टाइम लगेगा, लेकिन दूसरी बार से चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं कि अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत को मिला के कितने क्वेश्चन का पेपर होता है, तो ये होता है 40 क्वेश्चन का, ठीक है, जिसमें से अब मैंने बताया ही आपको कि हिंदी 20 नंबर का आएगा, संस्कृत 10 नंबर का आएगा और अंग्रेजी 10 नंबर का आएगा, ठीक है। अब आते हैं विज्ञान। अब विज्ञान की तैयारी कैसे करेंगे, तो पहले देखेंगे कि विज्ञान में कौन कौन सा चैप्टर पूछ रहा है। तो देखिए इसमें पहला है कि दैनिक जीवन में विज्ञान, फिर दूसरा है गति, बल, ऊर्जा, दूरी, प्रकाश, ध्वनि, जीवों की दुनिया, मानव शरीर, स्वच्छता एवं पोषण, पर्यावरण एवं प्राकृतिक संरचना, पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएं, अम्ल, क्षार, लवण, धातु, अधातु। तो आपके पास देखिए, मैंने सिलेबस इसीलिए शेयर किया है, बहुत सारे लोग सिलेबस की डिमांड कर रहे थे, तो आप लोग सिलेबस निकलवा के उसका प्रिंट आउट निकलवा के अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लीजिए, ठीक है, और आपको और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करना है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि सिलेबस में सब कुछ सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन पहले आप अपने सिलेबस पर पकड़ बनाइए, उसके बाद से आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। तब मैं बताता रहूँगा समय समय पर कि सिलेबस के अलावा भी आपको किस सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें पढ़ के जाना है, ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। तो देखिए इसमें सिलेबस में विज्ञान के सिलेबस में क्या है, और विज्ञान कितने नंबर का आएगा आपके एग्ज़ाम में, 10 नंबर का, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है। तो अगर मैं बात करूं कि अगर आपको 125 प्लस लाना है, तो हर एक एक क्वेश्चन के लिए आपको लड़ना है, आप कोई भी क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक स्किप नहीं कर सकते, ठीक है।
ये नहीं कि आप मतलब कि कुछ लोग कहते हैं कि बिना मैथ पढ़े सर, क्या बिना मैथ पढ़े हम सुपर टेट में 125 नंबर या 120 नंबर ला सकते हैं? तो आप खुद सोचिए ना कि 150 नंबर के क्वेश्चन में अगर आपने 20 क्वेश्चन स्किप कर दिया मैथ का कि आप हम मैथ हम नहीं पढ़ेंगे बाकी सब्जेक्ट पढ़ के, तो आप 150 में से आप 130 ही क्वेश्चन को तो अटेम्प्ट करेंगे क्योंकि वो 20 क्वेश्चन तो हट गए। अगर मान लीजिए तुक्का भी आप मान लीजिए अगर आपने तुक्का भी लगाया, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, तो आपने तुक्का भी लगाया और 4-5 क्वेश्चन सही भी हो गया, तो उससे आपका विशेष लाभ होने वाला नहीं है क्योंकि आप 130 क्वेश्चन में से 120 क्वेश्चन सही करके नहीं आएंगे, ये यकीन मानिए हमारा, आप कभी भी नहीं ला पाएंगे। इसलिए आपको मैथ नहीं छोड़ना, जिसको मैथ नहीं आता वो मैथ सीखने का प्रयास करें, जब तक सीखेंगे नहीं तब तक नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि आपने थोड़ा सा भी मैथ में मेहनत कर लिया और अपने बल पे 20 में से 10 क्वेश्चन भी सही कर लिए और बाकी जो 10 क्वेश्चन में से अगर आपने तुक्का भी लगाया और उसमें से 3-4 क्वेश्चन भी सही हो गया, तो आपका टोटल 14 क्वेश्चन सही हो गया। और 14 क्वेश्चन अगर सही हो गया आपके मैथ में, तो आप समझ सकते हैं कि आपका स्कोर सीधे बूस्ट कर जाएगा, सीधे एकदम बहुत आगे निकल जाएंगे आप और आपका आपका सिलेक्शन एकदम श्योर हो जाएगा। इसलिए मैथ को, हिंदी को और गणित को, किसी भी टॉपिक को आपको हल्के में नहीं लेना है। दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको एक एक चीज़ जो मैं वर्ड बता रहा हूँ इसको आपको ध्यान से सुनना है। भले आप थोड़ा सा अपना अपना वीडियो का जो स्पीड है वो बढ़ा लीजिएगा, लेकिन एक एक चीज़ को सुनिएगा क्योंकि ये मेरा अनुभव है और जो दिया है इस एग्ज़ाम को वह जानता है कि किस तरीके से, और वह ऑथेंटिक चीज़ें बताएगा आपको। तो ये चीज़ आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ठीक है? तो ये सब टॉपिक हैं इसमें विज्ञान के। तो इसको कैसे पढ़ना है, तो सबसे बढ़िया तरीका है पढ़ने का या तो एनसीईआरटी की आप बुक पढ़ लीजिए 6 से 10 तक की। अगर आप उसको नहीं पढ़ सकते तो एससीईआरटी की बुक पढ़ लीजिए 6 से 10 तक की, क्योंकि 6 से 10 तक की साइंस के एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे तो उससे आपका पर्यावरण के साथ साथ आपका साइंस भी तैयार हो जाएगा। और आपको वही चैप्टर पढ़ना है जो इसमें मेंशन है, जैसे गति हुआ, बल हुआ, ऊर्जा हुआ, पूरी एनसीईआरटी आपको 6 से 10 तक की मैंने जब एनसीईआरटी बता दिया, तो आपको हर एक चैप्टर नहीं पढ़ना है, वही चैप्टर पढ़ना है जो आपके सिलेबस में मेंशन है। साइंस के लिए स्पेशली आपको वही चैप्टर पढ़ना है, साइंस में सिलेबस के बाहर नहीं जाना है, वही चैप्टर पढ़ना है क्योंकि आपको 14 सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं, तो इसलिए आपको वही चैप्टर पढ़ना है जो साइंस में मेंशन किया गया है, ठीक है? ये क्वेश्चन आप यहाँ से आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, जो क्वेश्चन मेंशन किए गए हैं आपके सिलेबस में, जो टॉपिक मेंशन किया गया है आपके सिलेबस से, ठीक है? तो ये सब चीज़ें आप लोग एकदम तैयार करके जाइएगा और आप 6 से 10 तक की एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा आपके लिए। आपका आप इस 10 में से आराम से ईजिली कम से कम 8-9 क्वेश्चन करने की स्थिति रहेंगे और इन्वायरमेंट का सेक्शन भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इन्वायरमेंट के लिए जो 12th की बुक होती है बायोलॉजी सेक्शन का एनसीईआरटी का, उसका लास्ट के 4 चैप्टर आपको पढ़ना है, पर्यावरण आपका तैयार हो जाएगा, उससे आप आराम से पर्यावरण के 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। फिर आता है हमारा गणित। अब गणित में देखिए कितने टॉपिक हैं, गणित में आप लोग कई बार, जैसे मैं गणित पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग कई बार बोले कि सर सिलेबस मेंशन कर दिए, इसलिए मैं विथ सिलेबस लेकर आया हूँ और मैंने कैसे तैयारी की थी, कैसे मेरे 128 नंबर आए थे, वो मैंने आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए इसमें क्या है, गणित में पहला टॉपिक है अंकीय क्षमता, ये नंबर सिस्टम का ही हिस्सा है, अंकीय क्षमता नंबर सिस्टम का ही हिस्सा है और गणितीय संक्रियाएँ भी आपका नंबर सिस्टम का ही हिस्सा है। दशमलव, ठीक, स्थानीय मान, भिन्न, ब्याज, लाभ हानि, लाभ हानि मैंने पढ़ा दिया है, लाभ हानि बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया है, और प्रतिशत, लाभ हानि और प्रतिशत चैप्टर जो कि बहुत बड़ा चैप्टर है आपके सुपर टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो ये इन चैप्टर को हम बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, ठीक है? उसके बाद से विभाज्य है, गुणनखंड है, एकिक नियम, एकिक नियम सिर्फ एक दिन का चैप्टर है, आराम से आप लोग खत्म कर देंगे अब बहुत अच्छे से। फिर सामान्य बीजगणित, क्षेत्रफल, औसत, आयतन, अनुपात, सर्व समीकाएँ, सामान्य ज्यामिति और सामान्य सांख्यिकी, यानी सांख्यिकी से भी क्वेश्चन आएगा और इसमें कितने नंबर का आएगा, तो ये 20 नंबर का आएगा और 20 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में रहते हैं। इसलिए ये गणित आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। अगर मैं बात करूँ अपनी, तो मैं अगर गणित नहीं जानता तो यकीन मारिए मेरे 128 नंबर नहीं आते, क्योंकि मेरे लिए CDP नया था, मेरे लिए हिंदी नया था, क्योंकि मैं उस टाइम मतलब 2016 बैच का मैं BEd हूँ और 2016 बैच में जब मैं BEd कर रहा था उस समय कहीं ऐसा कुछ भी नहीं था कि BEd एलिजिबल है सुपर टेट में, तो मैं अपना SSC की तैयारी करता था। जैसे ही मैं BEd पास कर गया तो ये नोटिफिकेशन आया कि नहीं, अब सुपर टेट में यानी कि जो प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है उसमें BEd वाले भी अलाउ हैं, और उस समय मेरे पास मात्र 2 से 3 महीने बचे थे, उन्हीं 2 से 3 महीने में मेरे पास मुझे तैयारी करना था इन सब चीज़ों का, CDP का और उसका,
ठीक है, मतलब हिंदी का, तो उस उतने महीने में ही मैंने तैयारी की और उसी में मैंने टेट निकाला। टेट मैंने पहली बार में ही 170 नंबर मेरे टेट में थे, ठीक है, पहली बार में ही। बहुत मतलब बहुत मेरी अच्छी खासी तैयारी नहीं थी क्योंकि टेट बहुत पहले ही हो गया था, तो हमको उसके लिए मात्र एक महीने डेढ़ महीने मिले थे, लेकिन उसमें भी मैंने अपना पूरा एफर्ट किया और फिर भी मेरे 170 नंबर आ गए। वो कैसे आया? क्योंकि मेरा मैथ पहले से तैयार था, मेरा रीजनिंग पहले से तैयार था, मेरा GS पहले से तैयार था और मेरा इंग्लिश पहले से तैयार था। मैंने 30 संस्कृत की जगह पे इंग्लिश ले रखा क्योंकि मैं SSC देता था और SSC की तैयारी करते वक्त मेरा इंग्लिश तैयार था, इसलिए मैंने SSC मतलब इंग्लिश ले लिया। इसलिए मेरे UP टेट में भी पहली बार में 170 नंबर आ गए थे और उसके बाद से जब मेरे रिजल्ट आए UP टेट के 170 नंबर पहली बार में, तो थोड़ा सा हौसला बढ़ा कि लगा कि नहीं नहीं मैं सुपर टेट में भी अच्छा कर सकता हूँ। तो मैंने CDP और हिंदी पे और ध्यान दिया अच्छे से, क्योंकि मेरा सुपर टेट में क्या यूपी टेट में CDP थोड़ी गड़बड़ हो गई थी क्योंकि मैं कभी पढ़ा नहीं था। BEd भी मैंने किया तो बस ऐसे ही बस एडमिशन ले लिया था, कॉलेज वॉलेज जाता नहीं था, ठीक है। तो उसके बाद से मैंने जब यूपी टेट का रिजल्ट आया तब मैंने अपनी कमियों को पहचाना। मुझे लगा कि अगर सुपर टेट में अच्छा स्कोर करना है तो CDP और हिंदी पे मुझे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा क्योंकि मेरा मैथ वैथ तो तैयार है। इसलिए मैथ को आपको बिल्कुल नहीं भूलना। जिसने मैथ स्किप कर दिया, सोचा कि अरे नहीं मैं मैथ नहीं पढ़ूंगा, बाकी सब्जेक्ट पढ़ के मैं 100-120 नंबर 125 नंबर ला दूंगा, तो आप ही सोचिए अगर 150 क्वेश्चन में से आपने इस 20 क्वेश्चन को छोड़ दिया तो आपके पास कितना बचा है? 130 क्वेश्चन। अब क्या आप 130 क्वेश्चन में से 120 क्वेश्चन सही कर पाएंगे? 150 क्वेश्चन में 125 क्वेश्चन लोग नहीं ला पाते, तो आप 130 में से 125 क्वेश्चन कैसे ला पाएंगे? इसलिए आप अगर मैथ नहीं पढ़ रहे हैं, मैथ आपको बिल्कुल नहीं आता, तो प्रयास करिए, कम से कम मेरे वीडियो देखिए। मैंने इतनी बारीकी से एक एक मैंने एक बच्चे की तरह मैंने पढ़ाया, जैसे मैंने मैथ को सीखा है, मैंने मैथ को जैसे समझा है उसी तरीके से मैं आपको पढ़ाता हूँ। एक एक स्टेप बताता हूँ कि कैसे पक्षांतर होगा तो कैसे वैल्यू चेंज हो जाएगा, कैसे क्या होगा। मैं एक एक चीज़ एकदम बारीकी से इसीलिए मैं बताता हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैथ बिल्कुल नहीं आता, ठीक है। तो इस तरीके से आपको तैयारी करना है। कुल आपके मैथ में 17 टॉपिक हैं जिसमें से हमने आपको लाभ हानि बट्टा प्रतिशत और स्थानीय मान और जाति मान, मैंने जैसे इकाई अंकीय क्षमता में ही क्या आता है, इकाई का अंक ज्ञात करना और ये सब चीज़ें मैंने बता दिया है, ठीक है। अब बहुत जल्दी आपका मैथ का सिलेबस ख़त्म हो जाएगा क्योंकि मेन जो टॉपिक था, जैसे मेन टॉपिक क्या है अगर मैथ की बात की जाए तो परसेंटेज है, लाभ हानि है, साधारण ब्याज है और आपका जैसे क्षेत्रफल है, औसत है, आयतन है, ये सब चीज़ें मेन टॉपिक है। बाकी आपके सारे जो टॉपिक है बहुत छोटे छोटे हैं, तो दो से तीन वीडियो में सारे टॉपिक धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा। दो से तीन वीडियो, चार वीडियो मुझे आपको समझाना रहता है, इसलिए वीडियो क्या होता है कि पार्ट में अलग अलग बनते जाते हैं क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं एक एक चीज़ आपको समझा सकूँ। उसी तरीके से पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन के लिए क्या करना है, तो कुछ नहीं करना है। आपको मैंने बताया कि जो 6 से 10 तक की NCERT जब आपको पढ़ेंगे तो उसी में या तो 6 से 10 तक की NCERT पढ़िए या 6 से 10 तक की SCERT की बुक पढ़ लीजिए। अगर आप उतना भी नहीं पढ़ सकते तो कम से कम लूसेंट पढ़ जाइए, लूसेंट GS की जो बुक आती है आप उसको पढ़ जाइए, ठीक है। और उसमें भी क्या कैसे पढ़ना है, इसमें भी सिलेबस में देखिए कौन कौन से टॉपिक मेंशन है क्योंकि आपका 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। तो देखिए इसमें क्या है, पृथ्वी की संरचना है, नदियाँ हैं, पर्वत है, महाद्वीप है, महासागर एवं जीव है, प्राकृतिक संपदा है, अक्षांश और देशांतर है, सौरमंडल है, भारतीय भूगोल है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ये मैंने आपको करा दिया है, ठीक है, और भारतीय समाज सुधारक ये टॉपिक मैंने करा दिया है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम अभी मैंने नहीं पढ़ाया लेकिन जल्दी इस पर वीडियो में बनाना हूँ। फिर भारतीय संविधान है, हमारी शासन व्यवस्था है, यातायात एवं सड़क सुरक्षा है, भारतीय अर्थव्यवस्था की चुनौतियाँ हैं, हमारी सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, ये सब चीज़ तो आपका आ जाता है इन्वायरमेंट का। तो आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ टॉपिक वाइज पहले सिलेबस के टॉपिक वाइज आपको चीज़ें तैयार करना है क्योंकि जब आपके पास समय कम हो तो बस आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करिए। अभी आपके पास समय बहुत ज़्यादा है और किसी भी एग्ज़ाम के लिए दोस्तों कम से कम आपके पास 5-6 महीने की तैयारी होनी चाहिए। इसलिए घबराइए मत, वैकेंसी का इंतज़ार मत करिए, अभी से पढ़ते रहिए।
तीन चार घंटे पाँच घंटे जो भी आपको समय मिल रहा है उतने में ही पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई मत ब्रेक करिए, क्योंकि अगर आप 10 दिन भी पढ़ाई छोड़ देंगे ना तो आपको नए सिरे से पढ़ना पड़ेगा और वो आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा फिर। इसलिए पढ़ाई ब्रेक मत करिए, पढ़ाई में अगर आप नहीं पढ़ सकते 10 घंटे तो 5 घंटा ही पढ़िए, लेकिन पढ़िए, क्योंकि आपको एक सीट इस बार लेनी है। अगर ये वैकेंसी अगर आप चूक गए तो यकीन मानिए अगले दो तीन साल तक सुपर टेट की वैकेंसी नहीं आएगी। तो ये आखिरी मौका है आप लोगों के लिए, क्योंकि उसके पास ना ही आपके पास एज रहेगा और ना ही आपके पास क्षमता रहेगी तैयारी करने की। तो इस चीज़ों को आप समझिए, ठीक है। फिर आते हैं शिक्षण कौशल पे। शिक्षण कौशल 10 नंबर का आएगा, ठीक है। बाल मनोविज्ञान भी 10 नंबर का आएगा। मतलब ये दो तीनों टॉपिक मिला के, शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान और एक टॉपिक है आपका कि जीवन कौशल, ये आपके मिला के 30 नंबर के आते हैं। तो शिक्षण में कौशल में कौन कौन सा टॉपिक है, तो शिक्षण की विधियाँ एवं कौशल है, शिक्षण के अधिगम सिद्धांत है, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा है, समावेशी शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास हैं, शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन है, आरंभिक पठन कौशल है और शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन है। ये 10 नंबर का है। कहने के लिए तो बस इतने ही टॉपिक हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, कहने के लिए शिक्षण प्रशिक्षण में बस इतने ही टॉपिक हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, तो आप इसको बहुत आराम से पढ़ना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि BTC की बुक आप ज़रूर पढ़िए, आप एक बार पढ़ लीजिए, मेन चीज़ों को, आपको मेन जो फैक्ट मिल रहा है उसको पेन से या हाइलाइटर से हाइलाइट करके रख लीजिए, ताकि जब आप दोबारा पढ़ें तो आपको उतना टाइम ना बर्बाद करना पड़े अपना, वही जो आपने हाईलाइट किया है पोर्शन उतना ही आपको ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि इससे आपका टाइम बचेगा, हाईलाइट किए रहेंगे तो। पहली बार में डिटेल में पढ़ जाइए उसको, मेन टॉपिक को, मेन फैक्ट को आप हाईलाइट करते जाइए, मेन चीज़ को नीचे से अंडरलाइन करते जाइए, जब दोबारा पढ़िए तो बस उसी को पढ़ना है। यही तरीका होता है स्मार्ट स्टडी का, ठीक है। और उसी तरीके से मैं बात करूं बाल मनोविज्ञान में, तो बाल मनोविज्ञान भी 10 नंबर का आएगा। तो बाल मनोविज्ञान की जैसे मैंने वीडियो बनाया है, बहुत मतलब अभी 3 ही या 4 वीडियो मैंने डाला है शायद, तो उसको आप देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। मैंने नोट्स तो नहीं बनाया बाल मनोविज्ञान का, क्योंकि मेरे लिए नया था, क्योंकि अचानक से वो हो गया तो मेरे पास समय नहीं था कि मैं नोट्स बना, लेकिन मेरे बगल में एक भैया थे, उनका नोट्स था, उन्हीं के नोट्स से मैंने पढ़ा और वही नोट्स मैं पढ़ाता हूँ आप लोगों का। जिस नोट्स से मैंने पढ़ के 128 नंबर सुपर टेट में लाया है, जिस बाल मनोविज्ञान और जीवन कौशल को पढ़ के, उसी नोट्स से मैंने आपको चीज़ें पढ़ाया है, तो नोट्स बहुत अच्छा है, उसको आप अच्छे से पढ़िए। और उसको समझने में कठिनाई होगी, इसलिए मैंने बहुत लोकल लैंग्वेज में, आम बोलचाल की लैंग्वेज का मैं यूज करते हुए और आसान से आसान भाषा की एग्जांपल देते हुए मैंने उस चीज़ को सिखाया है, आपका बाल मनोविज्ञान पढ़ाया है, तो आप उसको देखिए, ज़रूर देखिए और बार बार उसको देखते रहिए, बार बार रिवीजन करते रहिए। वीडियो का छोटा बनाने का कारण मेरा यही रहता है कि मैं आपको छोटा वीडियो इसलिए देता हूँ ताकि आप चलते फिरते भी उसका रिवीजन कर सकें, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक घटनाएं, ये आता है आपका 30 नंबर का, ठीक है। यानी कि इसमें सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाएं में ये 30 नंबर का आता है। इसमें क्या क्या दिया है इसको देख लेते हैं। तो सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाएं में आपका समसामयिक की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं। देखिए राष्ट्रीय और प्रदेश से, यानी कि आपका आपके नेशनल और यूपी स्पेशल से भी क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। स्थान से, व्यक्ति से, रचनाएं से, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेलकूद से, भारतीय संस्कृति एवं कला आदि से भी क्वेश्चन बनेगा, और कुल मिला के ये 30 क्वेश्चन आएंगे आपके। यानी इसमें सामान्य जीके बी का भी क्वेश्चन आता है, और वो जीके बी ऐसा रहेगा ना, जैसे कि मान लें कि भारतीय कला है, संस्कृति है, इससे करंट की क्वेश्चन पूछेगा, और ये है स्टैटिक जीके का पोर्शन, लेकिन ये करंट जीके में आपसे पूछ लेगा, और ये नंबर का आता है 30 नंबर का, ठीक है। तो मैं पहले बताऊंगा कि आपको पहले किन किन सब्जेक्ट पे विशेष ध्यान देना है, ठीक है। और ये है तार्किक ज्ञान। तार्किक ज्ञान में बहुत मतलब इसमें बहुत मेहनत नहीं करना है, सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ना है, वो मैं आपको बता दूंगा, उसी से क्वेश्चन आता है। इतना सारा सिलेबस नहीं पढ़ने की जरूरत है आपके रीजनिंग में सिलेबस तो बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन क्वेश्चन जहाँ से ज़्यादा बनते हैं मैं बस उसी टॉपिक को मैं पढ़ा दूंगा, तो आपका रीजनिंग बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा और आराम से इस 5 में से 4 क्वेश्चन आप करके आएंगे, 4 या 5 में 5 करके आएंगे, ये मेरी गारंटी है। फिर आता है सूचना तकनीकी जीवन कौशल। सूचना तकनीकी से भी आपका कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, 10 नंबर का क्वेश्चन, इधर भी 5 नंबर का क्वेश्चन आता है सूचना तकनीकी से। तो सूचना तकनीकी और शिक्षण प्रशिक्षण जीवन कौशल एक ही चीज़ें हैं, ये चीज़ें बाहर से नहीं है। जैसे इसमें क्या है, शिक्षण कौशल के विकास हैं,
कक्षा शिक्षण एवं विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र में सूचना तकनीकी है, कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन, IR माने ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज एवं शिक्षण में उपयोगी ऐप्स, डिजिटल एवं शिक्षण सामग्री के उपयोग की जानकारी है। तो इससे भी आपके 5 क्वेश्चन आएंगे सूचना तकनीकी से, ठीक है। 5 क्वेश्चन इधर से आएंगे और जीवन कौशल और प्रबंधन और विवृत्ति से आपके 5-10 क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्या क्या टॉपिक है, तो इसमें भी आपका व्यावसायिक आरक्षण एवं नीति प्रेरणा है, शिक्षा की भूमिका है, सुविधा प्रदाता, अनुश्रवणकर्ता, नेतृत्वकर्ता, मार्गदर्शककर्ता, परामर्शकर्ता, संवैधानिक और मानवीय मूल्य, दंड एवं पुरस्कार व्यवस्था का प्रभावी प्रयोग। इससे कितने क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर का आएंगे। यानी कि आपका मेन इसके लिए भी क्या करना है, BTC की बुक पढ़िए, सबसे बेस्ट है, आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। साहित्य पब्लिकेशन की BTC की बुकें आती हैं, आप चारों सेमेस्टर का खरीद लीजिए, आपको देखने में बस मोटी लगेगी लेकिन आप एक बार पढ़िए, मेरी बात मान के एक बार आप उसको पढ़िए, इतना मज़ा आएगा आप लोगों ना कि बाकी आप दूसरी बुक भूल जाएंगे। क्योंकि कहीं भी आप कोई भी बुक उठा के पढ़ लीजिए, सुपर टेट के तीनों जो पोर्शन है, बाल मनोविज्ञान और आपका जीवन कौशल और शिक्षण प्रशिक्षण, एक साथ कहीं भी आपको एक ही बुक में इन तीनों टॉपिक को कवर नहीं किया गया है। आपको जैसे CDP आप खरीद के लाएंगे तो या तो उसमें बाल मनोविज्ञान और शिक्षण प्रशिक्षण रहेगा, जीवन कौशल नहीं रहेगा। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। और जीवन कौशल को तो आपको बुक में भी नहीं मिलता है, कहीं आपको अच्छी इसका बुक भी नहीं मिलता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि BTC की बुक पढ़ जाइए, क्योंकि ये 30 नंबर के क्वेश्चन का सवाल है आपका, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आपको नोट्स मिल जाए उसका तो और बेटर है, नोट्स अगर कहीं मिल जाए तो बढ़िया है। और मैं कहूँ, मैं तो आप लोगों को पढ़ा ही रहा हूँ, तो मेरे वीडियो देखने के साथ साथ अगर आप BTC की बुक पढ़ेंगे, मेहनत तो करना पड़ेगा दोस्तों, नौकरी चाहिए, इतनी बेरोजगारी में देख ही रहे कहीं नौकरी नहीं मिल रही है, और जो नौकरी भी मिल रही है वो बहुत कम मिल रहा है, बहुत कम नौकरियाँ सरकार दे रही है। तो इसलिए आपको मेहनत करके निकालना है इसको, तो मेहनत करना ही पड़ेगा, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ कि किस सब्जेक्ट को आपको ज़्यादा विशेष ध्यान देना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आता है करंट और स्टैटिक GK 30 नंबर का आएगा, फिर आपका आएगा CDP जिसमें बाल मनोविज्ञान, शिक्षण प्रशिक्षण और जीवन कौशल, ये भी आपका आता है 30 नंबर का, यानी 30-30-60। 20 नंबर का मैथ, और मैथ आपका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिसने मैथ पे पकड़ बना लिया जिसको मैथ आता है, समझ लीजिए कि वो बहुत आसानी से 120 प्लस क्वेश्चन ला देगा। और जिसका मैथ कमज़ोर है वो समझ लीजिए कि उसको 120 क्वेश्चन लाने में थोड़ा सा उसको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि उसे मैथ पढ़ना ही पड़ेगा। मैथ बिना पढ़े समझ लीजिए कल्याण नहीं होने वाला, मैथ पढ़ेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इस बार सीटें कम रहेंगी। कैंडिडेट आपके 15 लाख बच्चे हैं वो इस बार एग्ज़ाम देंगे, यानी मतलब समझ लीजिए कि 14 से 15 लाख बच्चे जो इस एग्ज़ाम में अप्लाई करेंगे, तो उसी का निकलेगा, जो इन बच्चों में वहीं आगे जाएगा जो एक एक सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ाओ। इसलिए आप लोग वैकेंसी का इंतज़ार मत करिए, वैकेंसी तो आएगी, आज नहीं तो कल आएगी, अगले साल आएगी, लेकिन आएगी ज़रूर। तो इसलिए आप लोग कम से कम अपनी तैयारी पुख्ता करिए, तैयारी को अपने जांचते रहिए, पढ़ते रहिए, जहाँ से भी मिले पढ़ते रहिए, ठीक है। तो ये सिलेबस है मेन, उसका पढ़ना कैसे है, तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़िए, प्लस जो मैंने बुकें बताया सबके लिए मैंने बुक बता दिया। मैथ के लिए आप अगर आपको बुक लेना है तो बेसिक बुक तो कोई मैथ की नहीं आती, लेकिन आप SD यादव बुक प्रीफर कर सकते हैं, और नहीं तो SCRT की जो बुकें आती हैं 6-7-8 की, SCRT जो आपकी जो परसदी बुकें होती हैं SCRT की, उसको आप ले लीजिए 6-7-8 की, और उसको पढ़ जाइए, ठीक है। बेसिक से है, बड़ा मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। तो मैथ के लिए आप इतना करिए, NCERT पढ़िए, विज्ञान के लिए आप लोग NCERT पढ़िए, नहीं पढ़ सकते SCRT पढ़िए, और वो भी नहीं कर सकते तो लूसेंट का जो लूसेंट की बुक आती है उसको पढ़ जाइए, तो भी आपका काम बन जाएगा, ठीक है। हिंदी के लिए आप आदित्य पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए, या लूसेंट की हिंदी आती है उसको ले लीजिए। अंग्रेजी के लिए आप कोई भी ग्रामर का बुक लेते आइए जो आपको समझ में आए, आप मार्केट में जाइए और 2-4 राइटर की बुक को रख लीजिए सामने और उसको पढ़िए, देखिए कौन सी राइटर की बुकें मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही हैं, जो समझ में आ रहा है उसको आप लेके पढ़ जाइए, ठीक है। संस्कृत के लिए फिर वही काम करना है, संस्कृत के लिए आप विजयी भाव की बुक आती है उसको लेके पढ़ जाइए, ठीक है, सर्वभूषण सर की ऐसे करके बुक आती है उनकी बुक विजयी भाव, तो उसको पढ़ जाइए, ठीक है।
और मैंने बता दिया CDP के लिए, आपको बता ही दिया पर्यावरण के लिए, मैंने बता ही दिया पर्यावरण के लिए NCERT की जो 12th बायो की 12th क्लास की बुक है उसके लास्ट के 4 चैप्टर आप पढ़ जाइए, उससे आपका काम बन जाएगा, ठीक है। और ये सब चीज़ें जो पृथ्वी की संरचना, नदियाँ, पर्वती पठार है, ये सब आप लूसेंट से पढ़ जाइए। लूसेंट में ज्योग्राफी वाला चैप्टर आप जाएंगे तो उसमें ये सब चीज़ें आपके टॉपिक मिल जाएगा, तो आपको वहाँ से पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद से बाकी सब क्लासेस चली रही हैं, रीजनिंग मैं पढ़ा ही रहूँगा, तो रीजनिंग के लिए आपको कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आप मेरे वीडियो देखिए और प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा करिए, उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। उसी तरीके से जीवन कौशल, प्रबंधन, अभिवृत्ति, ये आप मैंने बता ही दिया कि BTC की बुक, अगर आप इतना भी नहीं कर सकते हैं तो मेरे जो वीडियो हैं, जो मैं आपको वीडियो देने वाला हूँ, उसको देखिए, उसको बार बार रिवीजन करिए, और प्लस SCR अगर आप हो सके तो मैं बार बार कहूँगा कि आप BTC की बुक एक बार ज़रूर पढ़ें। पढ़ना कैसे है, आपको एक बार अच्छे से पढ़ना है, थॉरोली पढ़ लेना है, मेन चीज़ों को ऐसे हाईलाइट करते हुए, जैसे ऐसे देखिए यहाँ पे क्या है, शिक्षण विद्या एवं कौशल, तो नीचे हाईलाइट कर दिए, तो जाके अब ऐसे हाईलाइट हो गया, तो आप जब दोबारा उस बुक को पढ़ेंगे तो आपको बस यही टॉपिक पढ़ना है, यही चीज़ें पढ़ना है जितना आपने पेन से हाईलाइट किया है, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग जरूर लगाइए, मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग जरूर देना है आपको, ताकि आप अपनी तैयारी को जांचते रहिए। हर टॉपिक को करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए कि मैं इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाता हूँ, देखता हूँ मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं, बीच बीच में मैं टेस्ट तो ले ही रहा हूँ, टॉपिक वाइज टेस्ट भी आपका धीरे धीरे चलेगा, धीरे धीरे सब कुछ कंटिन्यू होगा आपका, ठीक है। तो आप लोगों को बिल्कुल परेशान नहीं होना, कैसे मैंने पढ़ के 128 नंबर आया, तो मैं अब तो आपको बताता हूँ कि भाई मैंने कैसे पाया 128 नंबर। 128 नंबर मेरे आराम आए किस लिए, तो सिर्फ एक महीने की पढ़ाई से नहीं आए, क्योंकि एक महीने का समय भले मिला था, लेकिन मेरे 128 नंबर के आने के पीछे का कारण क्या था कि मैं पहले से SSC की तैयारी करता था, तो मेरा मैथ तैयार था, रीजनिंग तैयार था, और आपका मेरा इंग्लिश तैयार था, और मेरा GS तैयार था, ये सब चीज़ें मेरा तैयार था, और करंट भी मैं पढ़ता रहता था क्योंकि कॉम्पिटिशन की तैयारी करता था, तो करंट मैं डेली बेसिस पर पढ़ता रहता था, कम से कम एक न्यूज़ सुनता रहता था, विविध भारती पर आता था, तो विविध भारती पर खाना बनाते समय वो न्यूज़ मैं सुन लेता था, तो करंट के टच में मैं रहता था, तो इतने सारे मेरे सब्जेक्ट ऑलरेडी मेरे तैयार थे। मेरे लिए नया क्या था सुपर टेट के लिए, तो मेरे लिए CDP नहीं थी और हिंदी नया था, यानी कि 30-20-50 मुझे 50 क्वेश्चन के लिए मेहनत करना था, बाकी मेरे कुछ सब्जेक्ट पहले से ही तैयार थे, तो इसको मैंने एक महीने में तैयार किया, इन दो सब्जेक्टों को मैंने एक महीने में तैयार किया, बाकी को अच्छे से रिवीजन किया। तो इस तरीके से अगर आपके कुछ सब्जेक्ट अगर पहले से तैयार हैं तो आप बहुत आसानी से स्कोर कर सकते हैं सुपर टेट में, क्योंकि बहुत टफ एग्ज़ाम नहीं होता इसका, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने डाला है अपने मेरे टेलीग्राम पे जाइए और वहाँ पे देखिए, आपको मैंने सुपर टेट का सिलेबस और प्लस सुपर टेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी मैंने डाला है, तो उसको आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था कंप्लीट तैयारी करने का तरीका, अगर आप कहेंगे तो मैं कुछ और भी चीज़ें इनपुट कर दूंगा। पहले तो आप लोगों को सिलेबस नहीं पता था, तो मैंने सिलेबस का वीडियो बना दिया कि ये आपका सिलेबस है और ये चीज़ें आएंगी। गणित 20 नंबर का आएगा, 17 टॉपिक है जिसमें ये टॉपिक मेंशन है, विज्ञान आपका 10 नंबर का आएगा, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत मिला के 40 नंबर का आएगा जिसमें से हिंदी 20 नंबर का आएगा, शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान और जीवन कौशल से 10-10 क्वेश्चन आते हैं यानी 30 नंबर का क्वेश्चन आएगा, सामान्य ज्ञान और सामाजिक घटनाएँ से 30 क्वेश्चन आएगा। इसको कैसे पढ़ना है, बहुत आराम से पढ़ना है, क्योंकि करंट जो पूछता है आपका ना, एकदम फैक्चुअल पूछता है, तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि करंट की तैयारी कैसे करें, उसको भी आप लोग समझ के उसको करिएगा, ठीक है। तो ये आज ही सब कुछ बता देंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग का मैं ज़्यादा समय बर्बाद करूँ। तो ये था स्ट्रेटजी और कैसे मैंने पढ़ा, आई होप आप लोग को समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और आपको तैयारी करते रहना है, जो हार मान जाएगा समझ लीजिए वो मैदान से बाहर हो जाएगा, क्योंकि 10-12 लाख बच्चे इस फॉर्म को भरेंगे, तो आप सोच सकते हैं कि फाइट 10-12 लाख बच्चों से नहीं है, उस 10-12 लाख बच्चों में से जो 10% बच्चे होंगे ना, वो लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे, इसी को फोकस करके वो पढ़ाई कर रहे हैं अपनी, कि मुझे सुपर टेट किसी भी तरीके से निकालना है, दिन रात इसी पे लगे हैं, क्योंकि उनकी आखिरी उम्मीद है सुपर टेट। तो इस तरीके से आपको भी इसी एग्ज़ाम को ऐसे ही पढ़ना है, तभी जाके ये एग्ज़ाम आपसे निकलेगा, क्योंकि इस बार वैकेंसी भी कम रहेगी और कैंडिडेट इस बार बहुत ज़्यादा हैं फॉर्म भरेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप लोग को मेहनत करना है।
तो चलिए, आई होप आप लोगों को कुछ डाउट था, डाउट हुआ होगा, वो जो क्लियर होगा, क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।